गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? पीवीआर स्टडी फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक चर राशि में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप लोग फट से आ जाएं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से आपकी क्लास होती है डीएलडी स्पेशल, तो आप लोग याद रखें प्रतिदिन सुबह 6 बजे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, दोस्तों इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमने लिखा ये यहाँ पर एक्स और वाई और पी और क्यू, ये सभी क्या हैं? ये इन सबको बोला जाता है चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल। और अगर हमने लिखा 11, 21, 101 और 231 वगैरह वगैरह कुछ भी गिनती लिखा, इसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर ना? तो चर अचर पहले मालूम होना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे एक चर राशि में रैखिक समीकरण। राशि क्या होती है? राशि कोई मात्रा होती है, मतलब कुछ भी हो, जैसे कहते हैं ना, मतलब कुछ भी आप ले लें, एक अनुमानित आयतन वजन या जो भी चीज। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर यूज होते हैं उन्हीं को चर बोलते हैं। अब एक चर राशि में रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ और दो चर राशि में रैखिक समीकरण इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो समीकरण ऊपर लिखा हुआ है वो एक चर राशि में रैखिक समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई, सॉरी टू। अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स वाई और प्लस नौ, ये क्या है? ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक चर इसमें यक्ष है, दूसरा चर क्या है? वाई है। बट इसमें देखें तो हर जगह यक्ष ही यक्ष है, मतलब ये एक चर राशि में है। ठीक, बात समझ में आई? ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण है। अगर हमने लिखा यक्ष स्क्वायर प्लस तीन एक्स वाई और प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ये तीन चर राशि में रैखिक समीकरण हो गया। और वो तीनों चर राशियां कौन कौन सी हैं? एक्स वाई जेड। इसमें दो चर राशि कौन कौन सी हैं? एक्स वाई। इसमें एक चर राशि क्या है? केवल एक्स। बात समझ में आई? ये होता है चर राशियां। तो आगे देखिएगा आप लोग फटाफट, आगे क्या होता है, कैसे होता है, इधर देखिएगा इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, इसको कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर चिन्ह देखिए प्लस लग रहा है, Attention, power is love. But इस प्लस से कोई मतलब जो है होता है सब कुछ, इस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर इस पे प्लस होता है तो हमें ये देखना होता है कि जो गिनती कौन सी है भाई, बीच में है। ठीक है, वो जोड़ दें तो यहाँ पर चार होना चाहिए तभी आएगा। ठीक है, मतलब अगर जोड़ें तब चार आए, मतलब जोड़ने पर बीच वाली गिनती आए और गुणा करने पर इधर वाली गिनती आए। बात समझ में आया ना? अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चार को हम कैसे दो नंबर में तोड़ें कि जोड़ने पर चार आए और गुणा करने पर भी चार आए? तो आप लोग जानते हैं, चार को अगर हम लिख दें दो प्लस दो तो चार होता है, और चार को हम लिख सकते हैं दो गुणा दो। मतलब समझ में आई? चार को हम दो और दो में तोड़ सकते हैं, गुणा करेंगे तब वो चार आएगा, जोड़ेंगे तब वो चार आएगा, है ना बात? तो क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर प्लस ये चार को हम लिख देंगे दो प्लस दो। ठीक है, और ये बाहर यक्ष था तो यक्ष लिख देंगे ऐसे, और प्लस चार को ऐसे लिख देंगे। ये बात समझ में आई? ये हम इसके गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस यक्ष का गुणा करेंगे अंदर में। तो पहले दो में करेंगे तो दो यक्ष, दूसरे में करेंगे दो यक्ष और प्लस चार। अब दो दो का जोड़ा बना लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। देखिए, इसमें यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, इसमें से एक यक्ष निकाल लेंगे। देखिए मित्रों, दो यक्ष, यक्ष की घात दो का मतलब होता है कि इसमें यक्ष गुणा यक्ष दो बार है तभी दो घात लगी। ठीक है, तो एक यक्ष अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो एक यक्ष बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इसमें से एक यक्ष कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यक्ष, प्लस इसमें दो था और यक्ष था। ध्यान रहे, ये दो यक्ष का मतलब ये नहीं कि इसमें दो यक्ष है, मतलब दो यक्ष तो है फिलहाल, लेकिन इसमें से अगर हम यक्ष निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल दो बचेगा। निकालने का मतलब क्या होता है, भाग दिया जाता है। अगर इसे हम यक्ष से भाग दे दें तो ये कट जाएगा ना, यक्ष से कट गया दो बचेगा ना, तो यानी कि ब्रेकर में क्या बचा, दो। इसमें दोनों में क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, जो चिन्ह है उसको ऐसे लगा देंगे तो दो कॉमन लेंगे तो यक्ष प्लस दो बचा। अब उत्तर क्या होता है, जो दोनों कोष्टक में है उसको एक जगह लिख देते हैं बस, यक्ष प्लस टू
और जो कॉमन होता है यक्स, तो इसे लिख दिया, इसके पहले प्लस टू था तो ये प्लस टू, यही क्या हो गया आपके गुणनखंड हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के गुणनखंड एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया, जैसे मान लेते हैं इधर साइड आप लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे से देखेंगे, तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः के गुणनखंड होंगे, क्या क्या होंगे, ऑप्शन है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस दो, और भाई सही से रहो नहीं तो गड़बड़ है, और सी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज, कितना आएगा जल्दी से आप लोग बता दें कितना आएगा भाई, नहीं मालूम ना। देखिए अब हमें क्या करना है, जोड़ने पर पांच आए और गुणा करने पर छः आए, कौन कौन सी ऐसी गिनती हम क्या करें, मतलब कि छः को कौन कौन से ऐसे पार्ट में तोड़ें कि गुणा करने पर छः आए जोड़ने पर पाँच आए। देखिए गुणा करने पर छः को एक में गुणा करेंगे तो छः आएगा, लेकिन अगर छः और एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सात, जोड़ने पर क्या आना चाहिए पाँच आना चाहिए। अगर हम तीन और दो का गुणा करें तो छः आएगा, और तीन और दो को जोड़ें तो क्या आएगा पाँच आ रहा है ना, जोड़ने पर पाँच आ जा रहा है गुणा करने पर छः आ रहा है, इसका मतलब हम पाँच को क्या करेंगे तीन और दो में तोड़ेंगे, बात समझ में आ रहा ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हम फिर से बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ लिखा है हल हम ही नीचे करेंगे इधर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख लिए जैसे लिखा था, ये प्लस था इसको ऐसे लगा लिए, अब पाँच की जगह पे हम लिखेंगे तीन प्लस दो, लिख सकते हैं पाँच को तीन प्लस दो ना, जोड़ेंगे तो पाँच होगा, जो एक्स था साथ में इसको ऐसे बाहर लिख देंगे, और ये प्लस था ये प्लस और ये छः, ठीक। अब क्या करेंगे अंदर में गुणा कर लो भाई, तो x का स्क्वायर प्लस x का गुणा तीन में तो तीन x और दो में तो दो x प्लस छः, दोनों में कॉमन कर लो, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा x प्लस तीन बचेगा, इसमें दो कॉमन हो जाएगा x प्लस तीन बचेगा, उत्तर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में कॉमन हुआ है, ठीक है, ये देखिए बीच में लाइन खींच देता हूँ, आपके इधर साइड ऑप्शन थे इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हुआ है x प्लस थ्री इसको एक बार लिख देते हैं, और जो x प्लस टू है इसको क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया x प्लस तीन और x प्लस दो, x प्लस दो x प्लस तीन देखिए है, ये जरूरी नहीं कि एकदम सीधा सीधा हो भाई, इसमें तीन पहले लिख दिया आगे पीछे हो सकता है x प्लस तीन x प्लस दो इधर उधर हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, वही मतलब है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात क्लियर है ना। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, ये क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, आगे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। हाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है पीबीआर स्टडी को फेसबुक में अवश्य लाइक करें, फेसबुक पेज को, और अनएकेडमी पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि अब आपकी क्लासेज यूट्यूब से ज़्यादा अनएकेडमी पर होती हैं, ठीक है, आप अनएकेडमी पर क्लासेज को अटेंड करें, वहाँ पर आपको बाल विकास मनोविज्ञान हिंदी पर्यावरण विज्ञान गणित सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, थैंक यू। और हाँ जैसे कि हमने पहले की क्लास में बताया था, आज 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच हम ताजमहल यानी कि आगरा में मिलेंगे, जिसको जो जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं वो लोग वहाँ पर मिल सकते हैं,